भावलपुर में कोरोना वायरस के बाद शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर सर्जिकल मास्क नायाब हो गए हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पर मास्क दस्तियाब न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि अगर उन्हें मास्क दस्तियाब कर दिए जाएं तो वो ये मास्क मुफ्त तकसीम करेंगे। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस का खौफ ऐसा छाया है कि जहां भावलपुर के अंदर जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर जो फेस मास्क है वो नायाब हो चुका है। भावलपुर में कल महकमा सेहत की जानिब से, जिले इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई थी और एक दुकान को सील किया गया था, मेडिकल स्टोर को सील किया गया था कि वो खासतौर पर जितने भी फेस मास्क हैं उनको महंगे दामों और ब्लैक में फरोख्त कर रहा था, जिसके ऊपर वो कार्रवाई की गई थी। वो कल कार्रवाई तो हुई है लेकिन उसका नतीजा आज ये निकला है कि आज भावलपुर शहर में एक भी मास्क यहाँ पर फरोख्त नहीं हो रहा। इसमें सूरत हाल ये है कि भावलपुर में हम मेडिकल मार्केट में मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर जितने भी मेडिकल स्टोर है किसी एक के ऊपर भी हमें मास्क यहाँ पर दस्तियाब नहीं हो रहे। अच्छा भाई जान, बताइएगा कि मास्क आपके पास यहाँ पर क्यों नहीं है, इस वाले से बताइए। मैंने बाकायदा ड्रग कंट्रोलर से बात की है, हमने आखिरी मास्क 5 रुपए का बेचा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे 5 वक्त के नमाजी, हम 2 नंबर काम नहीं कर। ये बताइएगा मास्क इस वक्त आपके पास है या नहीं? नहीं मिल रहा, हमें क्या करें। मैंने फैक्ट्री वालों से राबता किया बजरिया ड्रग कंट्रोलर पंजाब, उन्होंने कहा मैं कोशिश पूरी करूंगा लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकता, अगर कहूंगा तो मैं उनका काणा हो जाऊंगा। बहुत ईमानदार आदमी है, मुशब्बे शक्ल है, 5 वक्त के नमाजी हैं, यहाँ 10 साल ड्रग इंस्पेक्टर रहे। कंट्रोलर से बात की है, हमने आखिरी मास्क 5 रुपए का बेचा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे 5 वक्त के नमाजी, हम 2 नंबर काम नहीं कर। ये बताइएगा मास्क इस वक्त आपके पास है या नहीं? नहीं मिल रहा, हमें क्या करें। मैंने फैक्ट्री वालों से राबता किया बजरिया ड्रग कंट्रोलर पंजाब, उन्होंने कहा मैं कोशिश पूरी करूंगा लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकता, अगर कहूंगा तो मैं उनका काणा हो जाऊंगा। बहुत ईमानदार आदमी है, मुशब्बे शक्ल है, 5 वक्त के नमाजी हैं, यहाँ 10 साल ड्रग इंस्पेक्टर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। पूरी भावलपुर की मार्केट में मास्क नहीं, मैं अपनी तो कह सकता हूँ लोगों ने छुपाया हुआ है, वो 70-70 रुपए का जानने वालों को दे रहे हैं। ठीक है, मेहरबानी करके हमने अपनी मीटिंग बुलाई थी, उसमें अपने साथियों को ब्रीफ किया, बाकायदा ड्रग इंस्पेक्टर साहब के साथ मीटिंग की है कि कोई बंदा 5 रुपए से ज्यादा मास्क न बेचे, और जो बेच रहा है वो जुल्म कर रहा है इस कौम पर भी, इस मुल्क पर भी वो जुल्म कर रहा है, इस कौम पर भी। तमाम मेडिकल स्टोर मास्क फराहम किए जाएं तो मास्क मुफ्त फराहम करेंगे, मेडिकल स्टोर मालिकान का ये कहना है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।